नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोल पैनल पर ले जाकर ये स्टार्ट मेनू और टास्क बार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल पर आ जाना है। कंट्रोल पैनल पर आने के बाद इसे हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो बड़ी विंडो है इसे हम कंट्रोल पैनल वाले को डिलीट कर देंगे। अब इस विंडो को बीच में ले आएंगे और इसी विंडो पर हमें आपको सब कुछ बताना है। यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले टास्क बार के बारे में, फिर स्टार्ट मेनू और टूल बार के बारे में। दोस्तों, टास्क बार आपको दिख रहा है, यहाँ पर लॉक द टास्क बार। अगर आप लॉक करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है, लॉक हो जाता है। अगर आप इसको अनक्लिक कर देते हैं और इसे अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ई एन के बराबर में अप्लाई करते ही ये देखिए थ्री डॉट्स वाली एक लंबी लाइन पोर्ट्रेट डिज़ाइन में खड़ी होगा। अभी आप इसे इधर सरका सकते हैं। तो ये जो है अभी अनलॉक हो गया है हमारा टास्क बार। तो हमें इसे फिर से लॉक करने के लिए अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर ऑटो हाइड द टास्क बार, ऑटो हाइड का मतलब है अभी ये हमारे स्क्रीन पर अगर हम यहीं पर काम छोड़ देते हैं 10 मिनट 15 मिनट बाद कंप्यूटर अपने आप जो है स्लीप हो जाता है, लेकिन इसका जब भी हम इसे ओपन करते हैं ये फिर से यहीं पर अड़ा रहता है, यानी टिका रहता है, यहाँ से जाता नहीं है। लेकिन अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे ऑटो हाइड द टास्क बार, अप्लाई करते ही ये देखिए नीचे चला गया। ये देखिए जब हम विंडोज़ की की को दबाएंगे तब ऊपर आता है, जब हमें कुछ करना होता है ये फिर से नीचे चला जाता है। ठीक है, ये देखिए अब आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए आपको ऑटो हाइड टास्क बार पर अनचेक करके अप्लाई कर देना, ये फिर से आपका अब वापस आ जाएगा। इसके बाद चीज़ आती है यूज स्मॉल आइकन्स, यानी जो ये टास्क बार के आइकन्स हैं गूगल क्रोम ये सभी आपको दिख रहे हैं, ये इनको स्मॉल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ये देखिए सभी स्मॉल में हो गए हैं। अब अगर आपको इन्हें स्मॉल में रखना है तो आप ठीक है, नहीं रखना है तो फिर से चेक कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आता है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। अब टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपके टास्क बार लोकेशन है, ये हमारी पूरी टास्क बार लोकेशन होती है, इसमें जो स्क्रीन में है यहाँ पर हमारा जो टास्क बार के मेनू है वो कहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमने यहाँ पर बॉटम सेलेक्ट किया है तो अभी ये बॉटम में है। इसके अलावा आप अगर आप इसे लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में भी हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा क्रोम की जो आती है उसमें, क्रोम वाली विंडो में उसमें ऐसे ही होता है, गूगल क्रोम की है जो। लेफ्ट में करेंगे, राइट में करना चाहते हैं तो ये अभी लेफ्ट में है, फिर ये राइट में आ जाएगा। ये देखिए राइट में आ गया। अब इसके बाद आप इसे टॉप पर करना चाहते हैं, बिल्कुल स्क्रीन के टॉप पर, तो ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं इसे बॉटम में इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ तो मैं इसे फिर से बॉटम में कर दूँगा। इसके बाद बात आता है टास्क बार बटन्स की। यहाँ पर है नेवर कम्बाइन का मतलब कुछ भी कम्बाइन नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर जो है नेवर कम्बाइन में टास्क बार बटन में जिस बटन का नाम जो है, जिसका जो भी टास्क बार आपका चल रहा है वो दिखाई देगा। तो अब हम इसे नेवर कम्बाइन के बाद अगर हम इसे कम्बाइन में टास्क बार पर अप्लाई करते हैं तो ये फिर से वही दिखाई देगा, लेकिन हम इसे ऑलवेज कम्बाइन हाइड लेबल्स, लेबल हाइड हो जाएगा, जो लेबल दिख रहा है ये हाइड हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब इसके बाद आप इसे नोटिफिकेशन एरिया को कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ से। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा, तो इसके बारे में हम बाद में बात फिर कभी करेंगे। अभी हम बात करेंगे स्टार्ट मेनू की। तो यहाँ पर पावर बटन एक्शन, आपने ये बटन दिख रहा होगा पावर बटन एक्शन, ये जो यहाँ पर बटन होता है, जब आप विंडो की को दबाते हैं और यहाँ पर राइट क्रॉस की को दबाते हैं या जो तीर का निशान होता है राइट वाला उसे दबाते हैं तो शट डाउन पर आ जाता है। यानी मैं कहने का मतलब ये है मेरे कि ये जो शट डाउन का बटन है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप इसे क्लिक करके ओपन करते हैं तो यहाँ पर शट डाउन दिखता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट, कुछ और करना चाहते हैं, जैसे मैं लॉग ऑफ करना चाहता हूँ और अप्लाई करूँगा, ओके पर नहीं क्लिक करना, आपको अप्लाई पर क्लिक करना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉग ऑफ आ गया। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर कुछ और करना चाहते हैं रीस्टार्ट, तो यहाँ पर ये देखिए रीस्टार्ट आ गया। तो अभी मैं फिर से इसे ही रखूँगा शट डाउन को, क्योंकि शट डाउन ही मेनली यूज़ होता है ज़्यादातर जब हम बंद करते हैं, वरना फिर इसे यहाँ से दोबारा ओपन करना पड़ेगा। अब इसके बाद है प्राइवेसी, स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंटली ओपन्ड प्रोग्राम इन द स्टार्ट मेनू। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये खाली है विंडो यहाँ से, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से इसे अनचेक कर देंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं आया। इसका मतलब है स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंटली ओपन्ड आइटम इन द स्टार्ट मेनू एंड द टास्क बार। हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर जो है
हमारा कोई भी आइटम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब जो भी हम चीज़ें खोलते जाएंगे बाद में वो अप्लाई होती जाएंगी और यहाँ पर हमारे जो भी प्रोग्राम चलाएंगे वो यहाँ पर आती चली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बात आता है टूल बार की। टूल बार में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप HP सपोर्ट असिस्टेंट आपको दिख रहा होगा। इस पर मैंने चेक किया हुआ, अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगा तो ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखिए, अब ये यहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ पर बात आती है एड्रेस की। अगर मैं एड्रेस पर अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर एड्रेस बार आ जाएगा, इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद बात आती है लिंक्स की। लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिंक्स दिखाई देगा। ये देखिए, लिंक्स आ जाएगा। अब लिंक को मैं फिर से अनचेक करूँगा, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर करूँगा तो यहाँ पर डेस्कटॉप आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये सब चीज़ आपकी खुल जाएंगी। डेस्कटॉप पर ये जो भी आइकन है, इन्हें आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं इस क्लिक से जाकर। तो अभी मैं इन पर सब पर चेक करके आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखाई देगा। ये देखिए, ऐसा दिखाई देगा। लेकिन हमें ये बहुत ज़्यादा बम्बार्टमेंट अच्छा नहीं लगता है, तो हम इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटा सकते हैं। अभी हम सिर्फ रखना चाहें तो HP का, जैसे मेरा लैपटॉप है तो मैं HP पर क्लिक करके यहाँ पर इसे अप्लाई कर सकता हूँ, ताकि कोई कंप्यूटर में कोई एरर हो या कोई ट्रबल शूटिंग हो तो उसे मैं यहाँ से फाइंड कर सकूँ। लेकिन अभी हम इसे भी हटा देंगे तो फिर से अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ स्टार्ट मेनू और टूल बार को यहाँ से टास्क बार को एक्सेस करके उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने कस्टमाइज कर सकते हैं उन्हें अपने अनुसार। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अब तक हमारी नई नई वीडियो बहुत ही आसानी के साथ पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।